सावन महीने की अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार को भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर डुबकी लगाकर कांवरियों का जत्था भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व काफी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से कांवरिया और शिव भक्त गंगा घाट पहुंचे, जहां आस्था की डुबकी लगाकर संकल्प और पूजन के बाद गंगा जल लेकर भारी संख्या में कांवरिया बोलबम जय बाबा बासुकीनाथ और हर हर महादेव के जय घोष के साथ भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान बासुकीनाथ समेत भागलपुर बांका और आसपास के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों ने गंगा तट से जल उठाया और डाक बम के अलावा हजारों की संख्या में पुरुष महिला युवक युवतियाँ और बालक कांवरियों ने भी बाबा धाम के लिए प्रस्थान किया। श्रावण मास के अंतिम सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर जहाँ हर आयु लिंग और वर्ग के कांवरियों में काफी उत्साह देखा गया, वहीं कांवरियों के उत्साह और आस्था को देखकर से भक्त एवं आम लोगों के द्वारा शहर के विभिन्न कांवरिया मार्ग में सेवा शिविर लगाया गया। वहीं सेवा शिविर के अलावा जगह जगह लोगों ने अपने स्तर से कांवरियों को जल शरबत कई तरह के फल टॉफी नींबू समेत कई वस्तुओं की सेवा प्रदान की। इस दौरान कांवरियों को सड़क पर चलने में सुविधा हो इसको देखते हुए कांवरिया सेवा शिविर समेत आम लोग भी अपने अपने घरों से सड़क पर जल का छिड़काव करते दिखे, जबकि सेवा को लेकर पुलिस महिलाओं के साथ बच्चों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। भागलपुर के बरारी और खंजरपुर सीढ़ी घाट समेत अलग अलग गंगा घाट से जल लेकर बारी बारी से शिव भक्त कांवरियों का जत्था दोपहर बाद बासुकीनाथ धाम समेत विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हुआ, जो एसएम कॉलेज छोटी खंजरपुर रानी लक्ष्मीबाई चौक सरदार पटेल चौक भीकनपुर त्रिमूर्ति चौक आरवीएसएस रोड अद्भुत हनुमान मंदिर और शीतला स्थान चौक मिर्जानाट होकर रवाना हुआ। इस दौरान शहर के कांवरिया मार्ग में भक्ति का माहौल दिखाई दिया, जबकि शिव भक्त और आम लोगों के साथ सेवा प्रदान करने वाले भक्ति गीत एवं भगवान शिव की भक्ति के रंग में रंगे दिखे। एक और जहां कई संस्थाओं के द्वारा जगह जगह शिविर लगाकर सेवा प्रदान की गई, तो वहीं दूसरी ओर हर वर्ष की तरह सावन की सोमवारी पर महादेव को जलाभिषेक करने जाने वाले शिव भक्तों की सेवा के लिए जिला शांति समिति समेत मुस्लिम समुदाय की ओर से भी शिविर लगाकर सेवा प्रदान की गई। वहीं बात अगर शिव भक्तों की करें तो हर उम्र और लिंग के शिव भक्तों में आस्था और उमंग के साथ खासा उत्साह दिखाई दिया और मस्ती में दौड़ते और झूमते कांवरिया अपनी मनोकामना को लेकर बाबा धाम की यात्रा पर रोमांचित दिखाई दिए। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत घाट रोड निवासी निरंजन यादव के घर में किराए पर रहने वाले दो युवकों एवं एक युवती को पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जोगसर थाना के एएसआई शक्ति पासवान को निरंजन यादव के यहां देह व्यापार का धंधा चलने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जोगसर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें दो युवकों को एक युवती के साथ संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर मोहल्ले के लोगों में काफी आक्रोश का माहौल देखा गया, जबकि देह व्यापार का धंधा चलाए जाने को लेकर मोहल्ले की महिलाओं ने कहा कि अक्सर इस तरह की घटना सामने आती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है, जबकि पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही लोगों ने कहा कि मोहल्ले में नशे का भी बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, जिससे इसका उपयोग करने वाले यहाँ आते रहते हैं, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के बीच दहशत की स्थिति बनी रहती है। इधर निरंजन यादव के किराएदार के यहाँ से संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिए गए दो युवक और एक युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे देह व्यापार में शामिल लोगों की पूरी जानकारी सामने आ सके और उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए लगाम लगाया जा सके। बस तीन लोगों लड़का को लेकर चला गया, अभी एक लड़की थी। हाँ। हमको इसका कोई जानकारी नहीं था, 10 दिन पहले विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाला लड़का था। अब अचानक आ जाए, अगर जानकारी हमको रहता तो खुद उसको मारपीट के थचका कर देते। हाँ। बस थाना लेकर चला गया उसको, नाम हमको नहीं पता है, लड़का एक लड़का उसमें था, उसका दोस्त मोहित के है, वो लड़के ही बता सकता है। एक लड़का जो रह रहा था उसका साथ में उसका दोस्त आया। हाँ, उसका दोस्त था, वही बता सकता है के था नहीं था।
भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अंतर्गत इस्माइलपुर से बीन टोली के बीच सैदपुर गांव के समीप तटबंध के पास गंगा नदी का भीषण कटाव हो रहा है, जिसका दायरा लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कटाव होने के कारण ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया है और कटाव का दंश झेल रहे ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाल यह है कि गंगा नदी के कटाव का दायरा 60 मीटर से बढ़कर करीब 150 मीटर तक पहुँच गया है, जबकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर से अधिकारियों को वहां भेजा गया है। इसको लेकर गंगा कटाव स्थल के समीप पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। वहीं इसको लेकर मुख्य अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने बताया कि कटाव को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे कटाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसे रोकने के लिए यहाँ पर कांक्रीट बम्बू रोल समेत तमाम जरूरी सामग्रियों की मदद ली जा रही है। साथ ही कहा कि फिलहाल नदी में पानी का दबाव काफी तेज है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन समय रहते समस्या को दूर कर लिया जाएगा। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के सभी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, इंजीनियर सभी लोग हैं और तीव्र गति से चल रहा है काम। अभी लगभग कटाव रुक गया है और जब तक इसको बांध पूरे स्कूल में पुराने स्थिति में नहीं कर दिया जाता है, जब तक कार्य चलते रहेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में सावन की अंतिम सोमवारी एकादशी सिंह नक्षत्र के रविवार पर्व और झूलन उत्सव को लेकर रविवार को लाखों शिव भक्तों की भीड़ उत्तरवाहिनी गंगा घाट में उमड़ी रही, जहां स्नान करने के बाद गंगा जल भरकर श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान पैदल और वाहन से देवघर बैद्यनाथ धाम की यात्रा करने वाले कांवरियों ने गंगा स्नान और पूजन कर बोलबम के जय घोष के साथ अपनी कांवर यात्रा शुरू की। वहीं सिंह नक्षत्र के एतवार और एकादशी पर उपवास करने वाली महिलाओं ने गंगा स्नान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की, जबकि इस दौरान भारी संख्या में डाक बम कांवरियों की भीड़ अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा तट पर जुटी रही। बता दें कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नेपाल, दार्जिलिंग समेत देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से शिव भक्त एवं कांवरिया अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचते हैं, जहां से गंगा जल लेकर शिव भक्त बोलबम का जयकारा लगाते हुए देवघर बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जितना लास्ट अब जा रहा है सब पूजा सबका सफल हो, बढ़िया से हो। मेरा भैया भाभी के तरफ से हम लोग सब यहाँ मिल के सब बम का सेवा कर रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। बस सबको शुभकामनाएं। आज सावन का मेला आज था, तो 2 महीने का ये श्रावणी मेला लगा था इसका, और बहुत वर्षों के बाद 2 महीने का सावन लगा, तो हम लोग आज श्रावणी मेला में यात्री का हर दिल से स्वागत किए। शरबत पानी सारा ये सब व्यवस्था रखे थे, यदि का सब लगता सर। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से हैं। हमको शुगर लमसम 3 साल से था। 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। YouTube के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं। लमसम लगातार 5-4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद। शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ आने के बाद अच्छा लगा। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि पास में ही नागर महल है। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत कीर्तनिया पकड़िया ग्रामीण सड़क पर सैकड़ों की तादाद में अवैध रूप से ओवरलोड ट्रैक्टर बिना चालान के गिट्टी मेटल लेकर धड़ल्ले से आवागमन करते हैं, जिससे ग्रामीण सड़क का हाल काफी खराब हो चुका है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर बैरियर लगाकर ट्रैक्टर के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। इसको लेकर सरपंच ज्योति देवी का कहना है कि रोजाना इस रोड से सैकड़ों ओवरलोड गाड़ियां अवैध स्टोन चिप्स लेकर गुजरती है, जिससे सभी ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सड़क भी काफी खराब हो चुकी है। ज्योति देवी ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी सूचना उनके द्वारा थाना प्रभारी को फोन पर दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर ग्रामीणों ने कहा कि इस सड़क पर लगातार ओवरलोड ट्रैक्टर का परिचालन जारी है, जिससे सड़क जर्जर हो चुकी है और उस पर चलना काफी मुश्किल हो रहा है। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन और वरीय पदाधिकारी इस सड़क पर अवैध और ओवरलोड वाहन के परिचालन पर रोक लगाए, जिससे ग्रामीणों के साथ सड़क पर चलने वाले ग्रामीण और अन्य वाहनों को परेशानी नहीं हो। इसके अलावा पीरपैती के इसीपुर थाना क्षेत्र में भी ओवरलोड स्टोन चिप्स की सैकड़ों गाड़ियां चलने की बात ग्रामीणों द्वारा कही गई है। ये कीर्तनिया का ग्रामीण रोड है, कीर्तनिया पंचायत का अवैध बड़ा डाला 300 मन का डाला चल रही है गांव में, आई अभी भी चल रही है, आज भी चल रही है। आई इतना हम लोग का ये रास्ता में चलना मुश्किल हो गया है, मेरा जनता को हम लोग को परेशानी कि देखिए ये सरपंच का घर है और रोड के किनार देखिए कि हम पानी में खड़ा है, ये मेरा घर है और देखिए हम लोग प्रशासन अवैध क्या चलता है, अवैध ट्रैक्टर चल रहा है। कितना ट्रैक्टर चलता है? ये ट्रैक्टर सही डेढ़ सौ ट्रैक्टर चलता है डेली का। हम लोग प्रशासन का फोन करते हैं तो प्रशासन फोन भी नहीं उठाते हैं, हम सरपंच हैं और कोई स्थिति में अगर फोन करते हैं तो फोन उठाने पर तैयार नहीं, सीधा हम लोग क्या कहते हैं इतना बस हम लोग डर से सोते हैं कि जाने दीजिए। हम लोग अस्तित्व थोड़ा का सरपंच तो बन गए हैं 10 साल से। क्या देखा रोड काफी आपका इधर काफी खराब स्थिति तो ये है कि पकड़िया ग्रामीण सड़क से लेकर NH-80 पर किसी को भी जाना दुर्लभ हो रहा है और लोग किसी कोई ढंग से जा नहीं पा रहे हैं। कब किसी का पैर टूटेगा, कब किसी का सर टूटेगा, कमर फूटेगा, ये भी कहना मुश्किल है। और उसका मुख्य कारण है अवैध ट्रैक्टरों का परिचालन, जो कीर्तनिया से अवैध पत्थर चिप्स लेकर के और इधर पत्थर माफिया लोगों को दे रहा है और ले जा करके कहाँ कहाँ बेच रहा है। रोकने के बाद वो लोग रंगदारी भी बतियाता है, बोलता है कि ढेर बोलबो तो सोझ हो जीबो, ये सब भाषा का लोग प्रयोग कर रहा है। किस थाना क्षेत्र में पड़ता है? पीरपैती थाना क्षेत्र में पड़ता है। अररिया में बीते दिनों हुए पत्रकार विमल कुमार यादव हत्याकांड मामले को लेकर राज्य भर के पत्रकारों में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर अलग अलग जिलों में कैंडल मार्च, धरना और विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। वहीं भागलपुर में भी पत्रकारों के द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से कचहरी चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जो पुलिस लाइन मार्ग होते हुए शहर के तिलका मांझी चौक पहुंची, जहां पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पत्रकारों की हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए पहल करने की बात कही। इस दौरान भागलपुर के पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार और जिला प्रशासन पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। इसके अलावा अररिया में प्रिंट मीडिया के पत्रकार विमल यादव को गोली मारकर हत्या करने की बात करते हुए नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरुण भारती ने कहा कि खबर संकलन करने के दौरान भी पत्रकारों पर हमला होता है, जबकि कई बार अपराधियों या माफियाओं के द्वारा पत्रकार की हत्या भी कर दी जाती है। साथ ही मृतक पत्रकार विमल कुमार यादव के परिजनों को सरकार द्वारा 20 लाख रुपए आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। मौके पर भागलपुर के कई पत्रकार मौजूद थे। आए दिन जो हत्या हो रही है, विगत दिनों ये कुछ ही दिन जो है विमल
चौक से चंडी मार्ग जो है उनका वही चौक से निकाला गया है कि उनके परिजन को जो है नौकरी दिया जाए और 20 लाख जो है मुआवजा दिया जाए। अररिया के जो पत्रकार थे दैनिक अखबार के विमल यादव गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मैंने अभी श्रद्धांजलि सभा हम लोग चंडी मार्च किए कल्याण समारोह के लिए चंडी मार्च किए गए। इसके अलावा हम लोग जो जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने जा रहे थे क्योंकि अभी नहीं दे पाए उनके कारण से, तो वो अपना विस्तृत मांगों का ज्ञापन दिए जो पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत सारे उसमें हैं वो सब देना है।